व्हाट्सअप माय सुपर ह्यूमंस, दिस इज ध्रुव, ध्रुव पाठक। आपका वेलकम करता हूँ इस ब्लॉग के अंदर। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं फिर से एक बार एक भारत श्रेष्ठ भारत के दौरान नेशनल खेलने जा रहा हूँ पुणे। तो इस जर्नी में जो भी कुछ अच्छा होगा, जो भी कुछ बेहतरीन होगा, या जो मैं देखूंगा या देखने की कोशिश करूंगा, वह आपके साथ शेयर करूंगा। सो लेट्स बिगिन। आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। वो सामने एग्ज़िट है, पर मैंने वहाँ से एंटर किया है, क्योंकि लोहा मंडी में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो वहीं से ही, ऑलमोस्ट वहीं से ही एंटर करते हैं। पुरानी रीत है। ओह माय गॉड, 39 मिनट्स ट्रेन लेट हो चुकी है और मैं 1:17 पे आ चुका हूँ यहाँ पर। और अभी तो ये मथुरा अभी क्रॉस नहीं करी, तो राजा मंडी आते आते इसको बजेंगे 14:41, यानी कि या 2:45 बजे, काफ़ी लेट हो जाएगा। बट ठीक है, मैं घर से जल्दी निकल आया हूँ। आयुष भाई भी लखनऊ से आगरा आ गए हैं। चलो स्टेशन पर कोई तो हुआ है मेरे साथ, मैं मिल पाता हूँ आयुष भाई साहब। ले आए हैं सो यस बड़ी निक जॉनस, माय निक जॉनस। अरे यार कैसे हो भाई? बढ़िया। और बताओ क्या नहीं? अभी तक हम पहुंच चुके हैं ग्वालियर, आगरा से ग्वालियर। झांसी तो आ चुके हैं, ये झांसी का रेलवे गाड़ी संख्या 1201। ये हमारा कोच है। गुड मॉर्निंग माय सुपर ह्यूमंस। कल 3 बजे से लेके पूरी रात को व्यतीत करने के बाद अभी हम सुबह 9:30 बजे करीब पहुंच चुके हैं पचौरा जंक्शन। सो यू कैन सी दैट। और ट्रेन रुकी हुई है तो मैं थोड़ा बाहर आ गया था। अब देखते हैं कब तक हम पहुंचेंगे। मेरी जानकारी में नहीं है कि लोग हमेशा इस पहाड़ को थम्स अप वाला पहाड़ क्यों कहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इसलिए कि ये थम की शेप में है या आई डोंट नो, पर मैं जब भी आया हूँ आगरा से पुणे मुझे सुनने को मिला है। ज़्यादा हो गया क्या तकियों के तेरे पास, ज़्यादा हो गए क्या है? अब हम पहुँच चुके हैं पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है।
वो इसलिए है कि यहाँ पर लोग कंटिन्यूस ट्रैवल करते हैं। अब हम सभी खड़े हुए हैं पुणे के रेलवे स्टेशन के बाहर, ठीक है। ये आयुष भाई हैं, मिलन भैया और बाकी सब। और तो अब हम पहुँच गए हैं, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है 5:30। 5:30, 5:30 बजे हम पुणे पहुँच गए। तो अब हम बैग उठाते हैं, बैग चेक करते हैं अपने। भाई उठाओ ये वाला बैग, तो तुम उठाओ। लो सर बैग। बैग में एक्चुअली मेडल्स आगरा से जा रहे हैं, तो इसलिए बैग बहुत भारी हो चुका है। सो दैट मैं अकेला बहुत देर तक उठाऊँगा, इसलिए मैंने रोहन का भी सपोर्ट ले लिया है। खैर पुणे सिटी में फिर से आ रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है। बस भरी भरी है इधर तो अभी, क्योंकि इधर यहाँ पर क्रश बहुत ज़्यादा रहता है। पहली बार आया था तो बहुत ही अनजाना सा लग रहा था, और डिफरेंट मूवमेंट। बट अभी सब कुछ जाना बचाना और ओके ओके लग रहा है। मतलब कुछ ऐसा नई सिटी में जाते हैं तो फिर अजीब सा लगता है ना, तो अभी वैसा नहीं लग रहा, बट अब अच्छा लग रहा है। एक्साइटेड हूँ मैं। हम रेलवे स्टेशन से सीधे जा रहे हैं बेनार बानेर हाँ, प्रोनाउंस नहीं कर पाया बानेर। तो बानेर से हमें बालेवाड़ी के लिए सीधे बस लेनी है, यानी कि नेक्स्ट स्टॉप से हमें डायरेक्ट बालेवाड़ी के लिए बस लेनी है। यस हमें भी ऐड कर लो ब्रो। तुम ऐड ही ऐड हो हमारे ब्लॉग में यार, तुम चार चांद हो हमारे ब्लॉग के। क्या कर रहे हो, गिर रहे हो क्या? बैठो, अरे इधर आओ, इधर आओ भाई, इधर आओ, जगह ये रही। अब हम पहुंच चुके हैं अपने बालेवाड़ी स्टेडियम के हॉस्टल, तो उसके उसी रास्ते में हम, तो अब हम रूम की तरफ जा रहे हैं सभी लोग। मैं आपको अपना रूम दिखाते हैं जिसमें हम स्टे कर रहे हैं, यूपी वॉइस। ये हमारा रूम है जिसमें हम रुके हुए हैं। कुछ कहना चाहेंगे? फिर से आज हम जा रहे हैं अपने कोर्ट की तरफ, रोल वॉल कोर्ट की तरफ। इनॉग्रेशन शुरू होने वाली है इवनिंग में, आज मैचेस शुरू होने वाले हैं। तो अभी पहले इनॉग्रेशन का फंक्शन चलेगा, और इनॉग्रेशन जब फिनिश होएगा तो फिर हमारा यानी कि यूपी और एमपी का मैच है। सो इंटरेस्टिंग होगा ये मैच, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस मैच को खेलने के लिए। और कुछ वीडियोज़ बना पाऊँगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं नहीं बना पाऊँगा, मैं तो खेल रहूँगा, कोशिश करूँगा कोई बना ले मेरे फ़ोन से तो मैं वो वीडियोस आपके साथ शेयर कर दूँ। ये हम आ चुके हैं रोल बॉल स्टेडियम की तरफ, ये पुणे में है और बहुत ही बेहतरीन कोर्ट है, और सभी लोग इनॉग्रेशन के लिए बैठ रहे हैं और मैं भी। पार्टी में यहाँ उपस्थित होने वाले हैं, उनके साथ साथ यहाँ हमारे बीच में माननीय सुहाग जोशी साहब, आयुक्त क्रीड़ा उपयोग संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, श्रेष्ठ भारत प्रतियोगिता के अंतर्गत यहाँ पुणे के बाने स्टेडियम में अभी अभी हमारे प्रमुख अतिथिगण माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल, उनका यहाँ आगमन हुआ है। मैं
महाराष्ट्र रोलबॉल एसोसिएशन, उसी के साथ साथ ऑल इंडिया एसोसिएशन आपका स्वागत करता हूं। साल तक बच्चे स्टेडियम में खेल पाएंगे, लेकिन डॉक्टर कोलते साहब ने खुद ध्यान